जय श्री श्याम बाबा की जय। बोरावड मकरान से खाटू श्याम पैदल यात्रा और हमारे श्याम मित्र मंडल के तत्वदान में ये हमारा 27वीं बार पैदल यात्रा संग रवाना हो रहा है। हमारी झांकी भी सज करके तैयार होकर के आ चुकी है, पाठ पूजा हो चुकी है हमारे मंदिर के अंदर। और ये हमारा बैनर जो हर साल की तरह जो हमारी गाड़ी पे झांकी पे लगा हुआ है, सभी भक्तगण लोग श्याम बाबा के आ चुके हैं। धर्माराम जी माले भी तैयार होकर के आ चुके हैं श्याम बाबा। और अभी हम यहाँ पे बोरावड में सुंदरों के मोहल्ले में खाटू श्याम जी मंदिर की जगह पे सब भक्त इकट्ठे हो चुके हैं और अब रवाना होने की तैयारियों पे है। कुछ समय में हमारा संग यहाँ से नया बाजार की ओर रवाना हो जाएगा। अब हम नया बाजार में पहुँच गए हैं। नया बाजार में नाच गानों के साथ हमारा संग जोर से आगे बढ़ने लग गया है। और अभी हम हैं हमारे नया बाजार के रघुनाथ जी गोपीनाथ जी के मंदिर चौक में, जो डीजे के साथ में श्याम भक्तों में अच्छा खासा जोश भरा हुआ है। भगत लोग अच्छे खासे झूम रहे हैं। आप सब देखो हमारे श्याम बाबा के भक्तों को नया बाजार ब्यास चौक में भक्तगण नाच गाने के साथ में झूम रहे हैं। सबके हाथ में श्याम बाबा की ध्वजा है और भक्ति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जोश भरा हुआ है श्याम भक्तों के अंदर और डीजे पे श्याम बाबा का गाना चल रहा है, उस पे सब झूम रहे हैं। श्याम मित्र मंडल के तत्वदान में हमारा संग आगे बढ़ते हुए बोरावड चौराहे से आगे पैदल चलना शुरू हो चुका है हमारा संग। और सब भक्तगण अपने अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे चलने शुरू हो चुके हैं। डीजे के गाने पे नाच गाना करते हुए आ रहे हैं। और ये हमारे मकराना बोरावड़े मार्बल के गोदाम है, जो आप सब लोग देख सकते हो। हमारे भक्तगण आगे बढ़ रहे हैं बाबा की शक्ति के साथ। श्याम भक्त जोश में अभी तो चल रहे हैं। मैं खुद भी तीसरी बार बाबा के पैदल जा रहा हूँ और अच्छे जोश के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा डीजे भी हमारे साथ चल रहा है श्याम भक्तों का जोश बढ़ाते हुए। और कुछ भगत लोग हैं जो नाच गाना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। डीजे का शौक है उनको। कुछ भगत लोग हैं डीजे से दूर चल रहे हैं और धीरे धीरे अब अपनी पैदल यात्रा की लय में भगत लोग आना शुरू हो चुके हैं। मनोज जी अग्रवाल के गोदाम पे भगत लोग यहाँ पे कचौरी दही बड़े का नाश्ता कर रहे हैं। अभी तो हमारे मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुँचे हैं। यहाँ पे पिंटू जी ने नाश्ते का प्रोग्राम रखा है और भगत लोग बड़े एंजॉय के साथ नाश्ता पानी कर रहे हैं। कुछ साइड के अंदर जाकर के कर रहे हैं कुछ बातें। वो ब्राह्मण पंचायत में किया बात कमान खुद कमीज ले रहे हैं क्या नहीं कमीज ले रहे हो ब्राह्मण पंचायत में आएगा गोपाल गियो लब्बा दर क्योंकि ब्राह्मण पंचायत में आएगा तो कमी लगे ब्राह्मण पंचायत में संगा।
संघ आगे बढ़ते हुए गुणावती घाटी से आगे की जो ढलाई है उसमें हमारा संघ पहुंच चुका है। भगत लोगों में सब है, यहाँ पे बच्चे भी है, जवान लड़के भी है, हमारे संघ के अंदर लेडीज भी है, लड़कियाँ भी है, सब जोर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। श्याम बाबा के भक्त लोग मकराना में प्रवेश कर रहे हैं। ये रावण चौक वाला पुलिया आ गया है और काफ़ी लंबी दूरी में फैल चुका है हमारा संघ। दोस्तों, ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा किसी वीडियो में आवाज़ देने का, इसलिए अगर कहीं पे कोई गलत होती है और होती है तो उसका गलत वे में मत लेना आप लोग। ये पुलिये पे चढ़ाई करते हुए बोर्ड लगा हुआ है, ये मकराना के गोदाम वगैरह मार्बल के है और पुलिये पे चढ़ाई शुरू हो चुकी है। जोश के साथ श्याम भगत आगे बढ़ रहे हैं और ये पुलिये की चढ़ाई पे पहुंच चुके हैं भगत लोग। ये हमारे मकराने की रेल की पटरियां हैं, आप देख सकते हैं पुलिये से मकराना का व्यू कैसा नज़र आ रहा है। भगत लोग अब पुलिये के नीचे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शानदार सुंदर व्यू नज़र आ रहा है मकराने का। यह हमारी झांकी जो भक्त लोगों के साथ चल रही है, भक्तों के हाथ में श्याम बाबा की ध्वजा लहरा रही है और धीरे धीरे हमारा श्याम मित्र मंडल के तत्वदान में हमारा संघ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, लगभग हमारा संघ 1 किलोमीटर की दूरी में आगे पीछे फैल चुका है। कुछ भगत आगे है, कुछ भगत पीछे हैं और अभी हम संघ के बीच में चल रहे हैं। अब हम मकराना गौशाला पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे नाश्ते का प्रोग्राम रखा हुआ है और ये गौशाला अभी इसका निर्माण हो रहा है। मकराना ये गौ माता है जिनको आप देख सकते हो, बहुत अच्छी सेवा होती है हमारी यहाँ पे गौशाला के अंदर, गौ माता की सेवा करते हैं भक्त लोग। अपन मन टागो नहीं बे वीडियो बना बड़ा में पूरी सीरीज देखी बैठा का 300 रुपया लीटर में तेल मिला है।
भारतीय करेंसी का 6-7 रुपया बना बटा लीटर का अमन ध्यान है बे अगला आप बतावा हे यार दिखा दे मदान मो वीडियो दिखा दे मदान 20-20 लीटर है देखो बटा बतावा 30-30 रुपया लीटर अब आ जय श्री श्याम। अब हम मंगलाना के नज़दीक पहुंच रहे हैं। जोश के साथ भगत लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भगत लोग अपने अपने ग्रुप के अंदर बढ़ चुके हैं। कोई 4 भगत साथ है, कोई 10 भगत साथ है, कोई आगे चल रहे हैं, कोई पीछे चल रहे हैं। हमारा डीजे भी हमारे साथ चल रहा है और आप देख रहे हो भक्त लोगों को। हमारी सेवा में हमारे संघ की गाड़ी है, जो संघ के शुरू से लेकर के और जहाँ तक पीछे तक जितने भी हमारे श्याम भगत है उनकी सेवा के लिए हाजिर है। किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा की ज़रूरत होती है तो ये भगत को पैदल चलते हुए पहुँचा देते हैं। चाय पानी बार बार भक्त लोगों के पास में पहुंच रही है। ये हमारा डीजे भी आ चुका है। भगत लोग चाय पीते हुए एंजॉय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे अंकल जी हरी काका जी भी चल रहे हैं। भगत लोग गुटखा पानी खा रहे हैं। श्याम भक्तों के साथ डीजे जहाँ से रवाना हुए हैं वहाँ से हमारे साथ है और श्याम बाबा तक साथ ही जाएगा। लेकिन भक्तों ये इनकी आवाज़ हम वीडियो में नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसको YouTube एक्सेप्ट नहीं करता है, वार्निंग दे देता है। हमारा संघ मंगलाना में प्रवेश कर चुका है। श्याम नाइट का समय हो चुका है। ये मंगलाना का चौराया है जहाँ पर भगत लोग कुछ भगत लोग पहुँच चुके हैं, कुछ भगत लोग आ रहे हैं, कुछ भगत लोग आगे जा चुके हैं। और यहाँ पे हमारे संघ के द्वारा जो ठहरने की व्यवस्था रखी गई है, गौशाला के अंदर व्यवस्था रखी गई है हमारी ठहरने की संघ के द्वारा, जहाँ कुछ ही दूरी पे है और वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। यह मंगलाना का तिराया है जो अभी हम परबचर साइड में जो रोड जा रही है उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंगलाना से जो गौशाला है वो कुछ ही दूरी पे परबचर साइड की ओर है, तो उधर हमें जाना पड़ेगा। और हर साल हमेशा पहले हमारे यहाँ स्कूल में होती थी, जो इस वर्ष यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली हम गौशाला में पहुंच गए हैं और हमारे श्याम भगत तो में इतना जोश भरा हुआ है पहुंचने के बाद में, नाच गानों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और इनका जोश देख करके
हर श्याम भगत का इतना उत्साह बढ़ रहा है कि खुशी से बहुत आनंद आ रहा है। और ये हमारी गौशाला है। अब आज जो हम नाइट में विश्राम करेंगे, ये यहाँ पे हमारी व्यवस्था है। हमारे बैग वगैरह गाड़ी से नीचे रख दिए हैं और ये पूरा गौशाला के अंदर बरामदा है, जहाँ के अंदर हमारे श्याम भगत लोग अब रेस्ट करने की तैयारियों में है। अपना अपना बैग लेकर के आ चुके हैं और अब रेस्ट की तैयारी में अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। ये देखो आप सब लोग इनको देख सकते हो, कोई किसी व्यवस्था में लगा है, कोई अपना फ़ोन चार्ज लगा रहा है, कोई अपने कपड़े चेंज कर रहा है और अब अपनी अपनी जगह तलाश करके ये रेस्ट करने की सोच रहे हैं। गौशाला तक है, फिर सुबह जल्दी भक्त लोग रवाना होंगे और कल की जर्नी हम कल दिखा